हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एमके शाह मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एमके शाह एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो अहमदाबाद में है, और जो वाघोड़िया सुमनदीप ट्रस्ट है वही उसको इस मेडिकल कॉलेज को भी चलाता है। और ये मेडिकल कॉलेज की शुरुआत 2017 में हुई थी, ठीक है। और 2018 में कुछ स्टूडेंट के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से 1 ईयर के लिए उस पर बैन भी लग चुका है, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्रॉपर तरीके से चल रही है, और अभी इस मेडिकल कॉलेज में नीट पीजी एमडीएमएस की सीट्स भी है, ठीक है। और एमके शाह के बारे में हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जो आप एडमिशन लेते हो तो आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ का कैंपस, खाना और हॉस्टल कैसा है, इवेंट्स कैसे होते हैं, और वहाँ की स्टडी कैसी और कैंपस कैसा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में देखेंगे, और ये हमारे सारे पर्सनल ओपिनियन है, किसी और के ओपिनियन कुछ और भी हो सकते हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो एमके शाह मेडिकल कॉलेज है वो अहमदाबाद सिटी में, ठीक है, प्रॉपर सिटी में है। तो उसका आप सिटी का आपको बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर सिटी में हो, अहमदाबाद जैसी सिटी में हो, तो जो मेडिकल कॉलेज प्रॉपर सिटी में नहीं है उस स्टूडेंट की कंपेरिजन में आपका नॉलेज और आपका कहता है ना लाइफ स्टाइल बहुत ही डिफरेंट होता है। तो कुछ भी हो, कैसे भी प्लस और माइनस पॉइंट्स हो, तो मैं तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप प्रॉपर सिटी में कोई मेडिकल कॉलेज है जैसे सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, वो चूज करेंगे तो अच्छी बात है। और नहीं भी मिला तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको कोई MBBS में एडमिशन मिल रहा है तो ले ही लेना चाहिए। आप सबके अपने अलग अलग पॉइंट्स होते हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। हेलो गाइस, आज हम डॉक्टर एमके शाह मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोकेशन कहाँ पे है, कैंपस कैसा है, कितने कोर्स है, हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल का पर मंथ या फिर पर ईयर कितना चार्ज है, फूड का देखेंगे पर मंथ कितना चार्ज है, इवेंट्स कैसे होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ पे है, चांदखेड़ा में है और अहमदाबाद में, ठीक है। तो अगर आपको नीट पीजी के लिए कोई क्लासेस ऐसे ज्वाइन करना है तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपने कोई सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लिया है। अगर आप जो रूरल एरिया में, जो प्रॉपर सिटी में नहीं है, उस मेडिकल कॉलेज की बात करते हो, तो फिर आपको जैसे डैम से आगे नीट पीजी के लिए आप कोचिंग की आपको कोचिंग करना होगा, तो ये दिक्कत की बात हो जाती है। लेकिन अब ऑनलाइन भी आ गए, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग तो ऑफलाइन ही होता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है उसके लिए। अगर हम फीस की बात करते हैं तो जी गवर्नमेंट कोटा है GQ, उसकी फीस है 8,65,000। मैनेजमेंट कोटा की फीस है 60 लाख, और NRI कोटा की है $35,000। उसका आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हो तो 28 लाख समथिंग होता है, ठीक है। तो ये फीस है। अब हम देखेंगे नीट पीजी MD MS की कितनी सीट्स है। तो अगर उसकी बात करते हैं नीट पीजी की, तो आप देख सकते हो कि एनेस्थेसिया की 2 सीट्स है, डर्मेट की 3 सीट है, जनरल मेडिसिन की कितनी है अभी 3 है, माइक्रो की 1 है, पीडियाट्रिक्स की 3 सीट है,
पैथो की एक है, साइकी की एक है, रेडियोलॉजी की 3 सीट है टोटल, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो रेस्पी की 2 सीट है, जनरल सर्जरी की 3 सीट है, OBGY की 3 है, ऑर्थो की 3 है, ठीक है, ENT की 1 है, एनेस्थीसिया यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी थी था ना, तो टोटल एनेस्थीसिया की 3 सीट्स हो गई, और डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया और डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया ऐसे करके भी 2 सीट्स है। तो ये सी सारी PG की कितनी सीट्स है उसके बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हॉस्टल कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो 2 स्टूडेंट पर रूम ऐसा है अभी, ठीक है ना, हॉस्टल में कितने, एक रूम में कितने स्टूडेंट्स रह सकते हैं, तो 2 स्टूडेंट पर रूम है, और रूम भी डिवाइड किया गया है नॉन एसी और एसी रूम। अगर हम नॉन एसी की बात करते हैं तो 55,000 पर ईयर, ठीक है ना, और आपको एसी रूम चाहिए तो 20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, ये पर ईयर की बात है, ठीक है। तो ये था हॉस्टल के बारे में, 2 स्टूडेंट पर रूम रहते हैं, और नॉन एसी 55,000 और एसी रूम का 75,500 पर ईयर, ठीक है। अब हम देखेंगे फूड के बारे में, तो फूड की बात करते हैं तो एक ही मेस है, एक अमूल का पार्लर है वहाँ पे, और एक ही कैंटीन है, ठीक है, और वहाँ पे जो मेरा फ्रेंड्स है उसने रेटिंग दिया है 6 out of 10, ओके, इतना भी अच्छा नहीं है और इतना भी बुरा नहीं है, चलता है, ठीक है। और मेस को आप, मेस के बारे में आपको ये देखना जरूरी है कि मेस कंपलसरी, आपको बाहर से खाना है तो खा सकते हो, लेकिन आप एम के सामने एडमिशन लेते हो तो मेस की फ़ीस आपको पे करनी होगी, ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मेरे को नहीं खाना, ये कंपलसरी है सबके लिए। और मेस की फ़ीस क्या है, 60,000 पर ईयर, ठीक है ना, 62,000 पर ईयर मेस की फ़ीस है। आपको इसमें 4 टाइम्स मिलेगा, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच भी मिलेगा, ओके, 4 बजे भी फिर आपको नाश्ता मिलेगा, और डिनर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो फूड में यही है, और रात को, अगर नाइट को आप स्टडी करते हो, ठीक है ना, अगर आप नाइट में स्टडी करते हो तो वहाँ पे कोई ऐसा कैंटीन नहीं है कि जो नाइट को ओपन हो, ठीक है ना, तो आपको कैंपस से बाहर ही जाना है, ठीक है ना, अगर आपको कुछ नाश्ता करना है, आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको कैंपस के बाहर ही जाना पड़ेगा, कैंपस के अंदर नाइट को कुछ फूड अवेलेबल नहीं है, ओके। अब हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में, तो जो एम के शाह का इवेंट्स है उसको क्या नाम दिया गया है, इम्पल्स नाम दिया गया है, ठीक है ना। उसमें क्या था, स्पोर्ट्स वीक, डीजे नाइट एंड कल्चरल इवेंट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स वीक में सेम ही होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम, चेस, ई स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि BGMI, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है, टग ऑफ वॉर भी होता है, कबड्डी भी होता है, वो डिपेंड करता है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, तो यही सारे स्पोर्ट्स होते हैं, ये कॉमन है, ठीक है। डीजे नाइट्स भी आपको मालूम होगा, और कल्चरल इवेंट्स भी सेम ही है, जैसे सिग्नेचर डे, ट्रेडिशनल डे, मिसमैच डे होता है, ट्रेजर हंट, 1 मिनट रंगोली, पेंटिंग, ओके, ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल इवेंट्स होते हैं, ये सारे मेडिकल कॉलेज में होते हैं, ठीक है ना। और हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो मेस कंपलसरी है, जो अच्छी बात नहीं है, अगर आपको मेस में नहीं खाना खाना तो नहीं खाना, आप क्यों पे कर रहे हो, वो भी कितना है, 62,000 पर ईयर है, ठीक है ना, तो ये बहुत ही कहते हैं बड़ा बैड पॉइंट्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नाइट में फूड अवेलेबल नहीं है, वो भी मैंने बात कर दी। कैंपस का मेंटेनेंस इतने अच्छे तरीके से नहीं होता, वहाँ के जो रोड है और जो हाइजीन होना चाहिए वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और पेशेंट का फ्लो, अगर पेशेंट के फ्लो की बात करते हैं तो इतना अच्छा फ्लो नहीं है पेशेंट का। और ये MKSA मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ था 2017 में, और 2018 में उस पर बैन लग गया था कि स्टूडेंट के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आपको जैसे GCS है और ऐसी अच्छी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है, जैसे ND देसाई भी मुझे पर्सनल तरीके से बहुत ही अच्छी लगी है, तो आप पहले वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिटी में प्रॉपर, ठीक है ना, गुजरात यूनिवर्सिटी लगती है, तो आपको गुजरात यूनिवर्सिटी का कोटा भी मिलेगा NEET PG में, ये भी आपको बेनिफिट रहेगा। और फ्यूचर में आपको NEET PG का कोचिंग करना है, ठीक है ना, NEET PG के कोचिंग में भी अहमदाबाद में ही कोचिंग होते हैं, किसी और सिटी में नहीं होते, तो ये भी बेनिफिट है। तो अहमदाबाद में मिल रहा है तो ले ही लेना चाहिए, अपने को तो MBBS ही चाहिए, ठीक है ना, MBBS की डिग्री, और जो नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज तो हर जगह आपको मिल जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। MBBS में एडमिशन मिल रहा है तो ले ही एडमिशन ले लेना चाहिए, ज़्यादा इतना सोचने का नहीं है। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, और ये मेरे सारे पर्सनल ओपिनियन हैं, मेरे और मेरे फ्रेंड्स के जो वहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है ना, और किसी की स्टडी वहाँ पे ख़त्म भी हो गई, तो ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है, किसी और के ओपिनियन कुछ और भी हो सकते हैं।
अगर आप एम के शाह में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये थे पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।